हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पटेटो कटलेट कैसे बनाए जाते हैं वो बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने 500 ग्राम आलू उबाल कर ले लिए हैं और ये मेरे पास ब्रेड के स्लाइसेस पड़े हुए थे, ऐसी वेस्ट एक्स्ट्रा पड़े हुए थे, मैं इनका यूज करके पटेटो कटलेट बनाऊंगी। तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको। देखिए अब हम इसको छोटे छोटे पीसेस में ऐसे कर देंगे और इसको हम मिक्सी में चला लेंगे, इसका बारूदा सा बना लेंगे हम इस तरह से। जो भी आपकी मोटी ब्रेड होती है, बची हुई ब्रेड होती है या बच्चे साइड निकाल देते हैं, हम इन सब का इसमें यूज कर सकते हैं। हमारी जो ब्रेड है जो पहले वेस्ट होती थी, अब हम इसको हम यूज कर सकते हैं। अब ये देखिए हम इसको मिक्सी में पीस रहे हैं, जो हमने ब्रेड के क्रम्स इसके अंदर डाले हैं मैं उनको पीस रही हूँ। अब ये देखिए ये मेरे ब्रेड जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से, देखिए बिल्कुल फाइन इसका पेस्ट ये बन गया है, बुरादा इसका। अब हम क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे थाली में इस तरह से। ये देखिए, अब देखिए ये जो हमने बॉयल आलू लिए थे, अब हम क्या करेंगे, ये कद्दूकस सबके पास होता है, हम इससे थोड़ा सा ऐसे डिस्टेंस बना के हम अपने आलूओं को इस तरह से घियाकस कर देंगे इसका, इस तरह से। ये देखिए मैंने इस साइड से लिया है ये, और मैंने अपने आलू इस तरह से ये क्रश कर लिए हैं। अब ये अपने सारे के सारे जितने भी आलू हैं ये हम इसी तरह से इसने क्रश किए थे वो हैं, और मेरे ब्रेड क्रम्स हैं ये सब मैंने मिक्स कर लिया, और ये इसमें थोड़े से मैंने प्याज डाल दिया है और ये थोड़ा सा हरी मिर्च डाल दिया मैंने। अब इसमें हम मसाले डालेंगे, एक बड़ी टेबल स्पून चाट मसाला, एक बड़ी टेबलस्पून गरम मसाला, और इसमें थोड़ा सा धनिया डाल दिया मैंने, और एक टेबलस्पून नमक। हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डाल सकते हैं, तो मैंने इसमें दो बड़े चम्मच नमक के डाल दिए हैं क्योंकि मेरा पेस्ट ज्यादा है। और थोड़ा सा मैंने अजवाइन डाला है आधा टेबलस्पून, और ये आधा टेबलस्पून के करीब मैंने मिर्ची डाली है क्योंकि हरी मिर्च भी मैंने डाल दी है इसमें। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पूरे सामान को हम जैसे आटा गूंथते हैं उस तरीके से हम इसका डो बना लेंगे। और ये जो हमने ब्रेड क्रम्स लिए हैं ये हमने इसलिए लिए हैं क्योंकि इसमें बाइंडिंग कैपेसिटीज की बहुत अच्छी होती है, ये चीजों को बाइंड कर सकता है। यहां पर हम आरारोट वगैरह को अवॉइड कर सकते हैं, और इन ब्रेड क्रम्स को हम यूज करके इसको हम बाइंड आराम से कर पाएंगे। अभी देखिए इस तरह से इसको एक डो की तरह हम बना लेंगे पहले। अभी देखिए थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है एक टेबलस्पून के करीब। अब हम इसको थोड़ा सा इस तरह से और गूंथ लेंगे। ये देखिए अब देखिए हम इसको बाइंड कैसे करेंगे, हम थोड़ा सा ऐसे हाथ पे अपने ऑयल ले लेंगे और इसको हम आप चाहे तो राउंड बना सकते हैं इस तरह से, जो भी शेप आपको अच्छी लगे। तो ये देखिए ये इस तरह से मैंने इसको राउंड शेप में बना लिया है, ये देखिए। और फिर से थोड़ा सा ऑयल हाथ पे लगाया हमने, थोड़ा सा ये पिट्ठी ले ली हमने, और चाहे तो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, इसको लंबा शेप भी दे सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए जो भी शेप आपको अच्छी लगे आप उसमें इसको बना सकते हैं। और ये जरूर याद रखिए कि आपको अपने पाम में थोड़ा सा ऑयल लगा के तब ये बनाने हैं। ये देखिए, तो आपकी मर्जी है, आप इसको किसी भी शेप में बना सकते हैं। तो मैं अब अपनी ये कटलेट बनाना शुरू कर रही हूं। अभी देखिए मैंने यहाँ पर एक फ्राइंग पैन ले लिया है, कढ़ाई ले लिया है, इसके अंदर मैंने ऑयल डाला है ताकि मैं इसको डीप फ्राई कर सकूं। अभी ये इसमें अभी थोड़ा सा गर्म है, ये अभी थोड़ा सा और इसको गर्म होने देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये जो मैंने बना लिए थे, अब मेरा ऑयल गर्म हो गया है, अब हम इसमें धीरे धीरे इनको डाल देंगे और सावधानी से डालेंगे क्योंकि तेल जो है वो हमारा गर्म है, छींटे लग जाती हैं कितनी बार,
तो बिल्कुल आराम से डालेंगे इनको हम इस तरह से। और इनमें एक चीज का और ध्यान रखना है आपको, थोड़ी सी जो हमारी कढ़ाई है वो गर्म होनी चाहिए तेल, नहीं तो ये बीच में टूट भी जाते हैं। और इनको हमें कड़छियां नहीं मारनी है, पहले इनको एक साइड से गोल्डन ब्राउन होने दीजिए, उसके बाद बिल्कुल धीरे से इसको फ्लिप करेंगे, नहीं तो ये बीच में टूट भी सकते हैं। अब ये देखिए हमारे ये थोड़े थोड़े सुनहरी होने लगे हैं, ये देखिए। अब हम इनको पलट लेंगे, ये देखिए गोल्डन ब्राउन होने शुरू हो गए हैं ना, ये देखिए। अभी थोड़ा सा फ्लिप होने से पहले इनको थोड़ा सा और फ्राई होने देते हैं, ये देखिए। अभी हमारे ये गोल्डन ब्राउन थोड़े थोड़े हुए हैं, अभी पूरे अच्छी तरह से फ्राई नहीं हुए हैं ये। और इनको हमें ज्यादा कड़छी नहीं चलानी है, केवल इनको फ्राई होने देना है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे जो कटलेट हैं, देखिए इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, ये देखिए। क्योंकि अगर हम इनको ज्यादा ओवर कुक करेंगे, ज्यादा इनको रेड करेंगे, तो ये टेस्ट में अच्छे नहीं लगते हैं। तो ये अब इस समय इनका ये परफेक्ट कलर आ चुका है, ये देखिए। तो ये हमारे कटलेट बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे। और मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि ये कढ़ाई का काम है, ऑयल बहुत गर्म है, तो प्लीज थोड़ा आप ध्यान से करना। ये देखिए इस तरह से हम ये निकाल लेंगे, और इधर जो इनका एक्सेस जो ऑयल है वो हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। इस तरह से हम इसको झरड़ से भी निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं, ये देखिए। ये इस तरह से हमारे ये कटलेट तैयार हो गए हैं। और देख फ्रेंड्स, इन कटलेट्स को हम फ्रेंड्स, ये अगर आपको पोटैटो कटलेट की मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।